एक्चुअली मेरे डैड बहुत अच्छे मैं बोलूँगा उनको इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो मैंने हमेशा उनको देखा था कि वो घर पे भी इंटीरियर कर रहे हैं, अपने ऑफिस में भी इंटीरियर कर रहे, स्टूडियोज में भी इंटीरियर कर रहे, तो आई ऑलवेज टू सी दैट। तो मैंने आई थॉट इवन लेट्स ट्राई। तो इन अतरंग देयर इज नो इंटीरियर डिज़ाइनर, आई थिंक मैं बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वही मैं बोल रहा था, मैं बोलता इसके बारे में कि अतरंग का इंटीरियर मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके बोलते हैं ना, स्क्रैच से लेके एंड तक सिर्फ उसने ही किया है। हमने सिर्फ बोल दिया था कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बाद में आएंगे और जब बन जाएगा तब आके देखेंगे और तब बताएंगे एज एन ऑडियंस कि कैसा लग रहा है, और हम लोग ने लिटरली वही किया एक्चुअली। हाँ एग्जैक्टली, पूरा के पूरा ए टू जेड हम लोग ने ट्रस्ट करके। अगर आप 2-3 महीने पहले ये जगह पर आते तो ये पूरा एक खंडर जैसा था, एंड इसकी शादी भी थी उसके सबके बीच में। He managed it so well and एक एक कॉर्नर आप अगर देखोगे ना तो उसने अच्छे से किया है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू जैद, ही इज द इंटीरियर डिजाइनर ऑफ अतरंग्स। थैंक यू। बट एक्चुअली इट्स ऑफ कोर्स टीम वर्क, क्योंकि अगर मुझे ट्रस्ट किया इतना तो उस तरीके का रिटर्न भी मुझे देना था, एंड यू सॉ, आई थिंक एवरीवन सॉ कैसे मैंने रिटर्न दिया है, एंड दे लव्ड इट। सो या अतरंग्स एक्चुअली आवी जैद अनम और नगमा का बेबी है। अतरंग्स उनका एक ग्रुप है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को यू नो इंक्लूड किया है ताकि वो और भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ। कंटेंट क्रिएशन तो वो करते ही हैं, सोशल मीडिया के वो किंग्स हैं ही, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इससे एक लोगों को सीख भी दे, क्योंकि सोशल मीडिया में लोगों को अभी वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पीपल वॉन्ट टू लर्न हाउ टू एडिट, हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट, हाउ टू डांस, हाउ टू डू क्रिएटिव थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई भी जाएंगी, और ऑफकोर्स आई थिंक बॉम्बे के सबसे बेस्ट डांस स्टूडियोज़ भी यही होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। एंड जिस तरीके से जैद ने इसे डिज़ाइन किया, बिकॉज ये पूरी जगह जैद ने खुद डिज़ाइन की है, तो यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं, शूट्स हर किस्म के हो सकते हैं, सोशल मीडिया से लेके आप जो यू नो अगर टीवी की रिक्वायरमेंट्स हैं या फिल्म की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शूट भी हो सकती हैं। एंड अतरंग्स इज इनिशियली उन्होंने एक ग्रुप शुरू किया था, एंड दैट्स हाउ दे कॉल दिस प्लेस अतरंग्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बहुत ही अमेजिंग किया आपने जैसे वीडियो देखा है, एवरी स्टूडियो इज़ डिफरेंट, हर एक एलिमेंट यहाँ का अलग है, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। सारे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ जैद के हैं, इनफैक्ट मैं अमेज थी क्योंकि ये जब मैं जैद से मिली थी तो ये ऑलरेडी जगह बन रही थी, तो ऐसा इसमें मेरा कोई भी आइडिया नहीं है। दिस इज़ ऑल अतरंग्स, आवेज, नगमा एंड जैद एंड अनम, और इनसे कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता है बिकॉज ये सब इनका ब्रेन चाइल्ड है, एंड डिज़ाइनिंग पूरी जैद की है, तो जो भी आप देख रहे हैं वो कम्प्लीटली जैद का ब्रेन है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ एवरीबडी, ऑल फोर ऑफ देम बहुत मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही टफ करियर है, तो जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से जितना इन्होंने अपने आप को किंग्स बना लिया है इस मीडियम का, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम।